एवरीवन, मैं प्रेमलता आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने ही चैनल मिथिला रिवाज में। आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ कि भाई दूज में अरिपन कैसे बनाते हैं, तो आइए सीखते हैं। ये देखिए, अरिपन बनाने के लिए हम जो है ये चावल को भिगो के पीस ली हूँ। मैं चावल भिगो के पीस ली हूँ एकदम स्मूथ सा पेस्ट। ये देखिए, स्मूथ सा पेस्ट हमने तैयार कर लिया है और इसमें थोड़ा सा इसको और स्मूथ करना करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये देखिए, अब हमारा जो है मिक्सचर जो है तैयार है अरिपन बनाने के लिए। और अरिपन बनाने के लिए हम ये 3 फिंगर का यूज करेंगे। देखिए, हम पनवा बनाएंगे। ये देखिए, तरह पनवा बनाने के लिए ऐसे लेंगे, फिर इधर से ऐसे कर लेंगे। ये देखिए, मैं 3 फिंगर का यूज कर रही हूँ। ये देखिए, ये हमारा बन गया पान के पत्ते। और हम फिर इधर से ऐसे डालेंगे। ये देखिए, ये देखिए, और इधर से डालेंगे। इसके बीच में हम क्या करेंगे, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा लाइन लेंगे, ये ऐसे फिर क्रॉस कर देंगे। और इसमें मैं हल्दी भी मिलाई हूँ क्योंकि व्हाइट जो है अरिपन नहीं पड़ता है, और पड़ता भी है तो उसमें सिंदूर लगाते हैं, इसमें भी सिंदूर लगाएंगे हम, लेकिन हमने हल्दी मिक्स कर रखा है इसमें। और इसको ऐसे हम जलेबी की तरह घुमा देंगे दोनों तरफ। देखिए, घुमा दिया, और ऊपर भी हम ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे। ये हमारा ऊपर का हो गया, और यहाँ पे इसका हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, और यहाँ पे हम जो है एक पटले का अरिपन बनाएंगे। ये देखिए, हम लोगों में भाई दूज का जो अरिपन है वो ऐसे ही बनता है। ये पटले का हो गया, इसको हम ऐसे कर देंगे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, और ऐसे। ये देखिए, ऐसे हो गया। अब हम यहाँ पे जो है पटला रखेंगे, ठीक है, इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा इसमें पिठार डाल देंगे। चावल का जो पेस्ट है इसको हम ऐसे ऐसे इसी पे हम भाई को बिठा के पूजते हैं, भाई की पूजा करते हैं। ये देखिए, कहीं कहीं हम सिंदूर लगा देंगे, कहीं कहीं, हर जगह नहीं, कहीं कहीं हम सिंदूर लगा देंगे। ये देखिए, और इसमें जो पूजा में जो यूज होता है वो देखिए, ये 5 पान के पत्ते हो जाते हैं। ये देखिए, 5 पान के पत्ते। और आप कोई सा भी सिक्का ले सकते हैं, मैंने चांदी का सिक्का लिया है। और ये फूल, और ये सिंदूर, ठीक है। ये हमारे अरिपन जो है वो तैयार है। ये देखिए, और ये सूखने के बाद, अभी ये गीला है इसलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये सूखने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है। और इसी से हम भाई दूज की पूजा करेंगे। आज हम लोगों के यहाँ चित्रगुप्त पूजा भी होती है क्योंकि हम लोग कैस्ट हैं। तो ये देखिए, चित्रगुप्त भगवान की जय। ये रहे चित्रगुप्त भगवान, हमारे यहाँ आज पूजा हुई है। और इसके बगल में ये देखिए,
हमने बुक्स वगैरह रखना होता है, आज नहीं उठेगा ये। और आज आज के दिन हम लोगों में कलम भी नहीं छूते हैं, तो ऐसे ही हम लोग आज के दिन भाई दूज मनाते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि भाई की पूजा कैसे करते हैं। तो ये है मेरे बड़े वाले भैया और ये मेरी जेठानी दीदी है, और हम लोग अभी पूजा करेंगे। देखिए चावल का पेस्ट का ही चंदन करेंगे हम, और इसके ऊपर हम सिंदूर लगाएंगे। ये देखिए सिंदूर का भी टीका करेंगे, दीदी भी लगाएंगी। और हम लोगों में कोई भी पूजा होती है तो सर पे पल्लू रख लेते हैं, तो इसलिए हमने सर पे भी पल्लू रख रहे हैं। और ये हम चावल के पेस्ट का ही हाथ में टीका लगाएंगे। हाँ, दोनों हाथ जोड़ के बैठे हैं भैया, और इसमें हम ऐसे करेंगे, पान के पत्ते रखेंगे, पांच पान के पत्ते रखेंगे। ये देखिए पांच पान के पत्ते रखेंगे, ये देखिए पांच पान के पत्ते रखेंगे। और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा चावल का पेस्ट और सिंदूर लगाएंगे, और इसके ऊपर हम एक सुपारी और एक सिक्का रखेंगे। और लोटे में पानी रहेगा, एक हाथ से लोटा पकड़ेंगे, एक हाथ से करेंगे। और हम लोगों में मंत्र बोलते हैं कि जिसका मतलब रहता है कि यमुना जो है न्योता लेती है जमुना को गंगा, और हम जो है बड़े भाई को कर रहे हैं। और जैसे यमुना जमुना की धार बहती है वैसे हमारे भाई की उम्र भी बढ़े। और ये पान के पत्ते मैं पल्लू में ले लूँगी, और फिर ये देखिए हम खिलाएंगे मखान। और ये केराव है, और ये मिठाई ये खिलाएंगे, भैया का मुंह मीठा करेंगे। पहले मखाने खिलाते हैं, और ये बजरी, बजरी बोलते हैं, बजरी इसलिए खिलाते हैं कि जिस तरह ये बहुत देर से भीगता है वैसे ही हमारे भैया के भी ज़्यादा उम्र लंबी हो। और ये आ रही है हम लोगों की स्वीट्स के पैकेट जो भैया देंगे हम लोगों को। ये देखिए चूड़ी, हम लोगों को कुछ भी होता है तो शादीशुदा बहनों को चूड़ी ज़रूर मिलता है। और ये पैसे, अब ये है मेरे छोटे वाले भैया, और मेरे दोनों भाई जो हैं वो बड़े हैं मेरे से। तो ये मेरे छोटे वाले भैया, इनके भी हम लोग ऐसे तिलक करेंगे, चावल के पेस्ट का पहले तिलक करेंगे, उसके ऊपर हम सिंदूर लगाएंगे। ये देखिए सिंदूर लगाएंगे, और फिर ऐसे ही दोनों हाथ जोड़ के रखेंगे। और हम लोग इसमें भी, ये देखिए हम लोग इसमें भी चावल के पेस्ट का सिंदूर लगाएंगे। और फिर इसमें भी सिंदूर लगाएंगे, ये देखिए इसमें भी सिंदूर लगाएंगे। हम दोनों हमेशा, हम लोगों में होता है जेठानी के भाई को भी, भाई भैया भी आते हैं तभी भी हम लोग करते हैं। तो हम दोनों के भाई होते हैं तो हम लोग आपस में मिलके करते हैं। ये देखिए फिर हम लोग वही मंत्र बोलते हैं, यमुना नतेय जमुना के हम नते छी जिट भाग के, जिना मुना जमुना के धार बह तहिना भाई के और दाबर है। तो ऐसे हम लोग ये मंत्र जो है तीन बार उच्चारण करते हैं। और लोटे में जितना भी पानी रहता है सारा पानी हम डालते हैं, ऐसे करते हैं। और इस बार जो है दीदी लेंगी अपनी पल्लू में, ले लेंगी, ये देखिए दीदी ले लेंगे अपनी पल्लू में ही लेते हैं हम पान के पत्ते। और फिर अब इनको भी मिठाई खिलाएंगे हम, ये देखिए मखाने और बजरी खिलाएंगे। और खिला देंगे मिठाई भी खिला देंगे, ये देखिए। और ये गिफ्ट है जो भैया दिए हैं पोचे दोनों के लिए, ये देखिए एक ये है और एक ये है। ये रेड कलर का है, वो पिंक कलर का है, ये देखिए ये दोनों गिफ्ट हो गए, ये हमारे गिफ्ट्स हैं, ये देखिए। और हमारी भाई दूज मन गई।